मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है इसको देखिए। बुक में पेज नंबर आप निकाले, बुक का पेज नंबर 132, बुक में पेज नंबर 132 आप निकाल रहे हैं अपने सामने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन हमें बुक में ही सॉल्व करना है। बुक में क्वेश्चन नंबर वन देखें, लिखा हुआ है सॉल्व मेंटली, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ना आपने कैलकुलेटर यूज करना है ना ही इसको सॉल्व करके मतलब दिखा रहे, सिर्फ अपने दिमाग में इसको क्या करना है सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा तरीका, याद रखें जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो और नंबर्स आगे अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 100 से या 1000 से, ठीक है, इस तरह किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी नंबर को, तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमारे राइट साइड पे क्या होता है मूव होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन का जो फर्स्ट पार्ट है, बुक में भी आप देखते रहे साथ साथ 0.05 को मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, ठीक है। अब 10 में कितने जीरो आते हैं, एक जीरो आता है, ठीक है। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट क्या करेगा, मूव करेगा राइट साइड पर, सही। तो जब मैं इसको 0.054 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक डिजिट क्या करेगा, मूव करेगा, सिर्फ वन डिजिट मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, कहाँ आ जाएगा, यहाँ जीरो और फाइव के बीच में आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.54, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 0.54 आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, जो फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व भी करा था बुक में उन्होंने, सेकंड आते करना नहीं, 0.054 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, ठीक है। अब जब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ तो ये वन प्लेस यहाँ पर आया और फिर यहाँ आ गया 5.4, कितना आ रहा है 5.4, और शुरू में जो जीरोज है वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ देखें, ये लिखा हुआ 0.054 मल्टीप्लाई आ रहा है 1000 से, अब 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। अब जो डेसिमल पॉइंट है उसको 3 प्लेसेस तक हमें राइट साइड पर सीधे आपके लिए क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहां से देखें ये 1 2 3 यहां पर, ठीक है, हमारे पास आ गया 54 और शुरू में जीरो से मैंने आपको बताया लगाने की जरूरत नहीं, 54.1 बस फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसका जो डी पार्ट है वहां पर क्या है, 2.274 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, जब 2.274 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, सिर्फ एक डिजिट मूव होगा, तो यहां पर आएगा 2, जब यहां से पॉइंट मूव होगा तो यहां पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.74। इसी तरीके से इसका ई पार्ट आप सॉल्व करें, ई पार्ट में 2.274 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, 100 से, जब वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट कहां आएगा, 2 प्लेसेस तक मूव करेगा, 2 प्लेस मूव करने का मतलब है कि ये वन प्लेस और फिर ये सेकंड प्लेस, इसका मतलब 7 के बाद आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा उसका 227.4। इसी तरीके से उसका जो एफ पार्ट है वहां पर 2.274 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, ठीक है, बोर्ड पर नहीं करा मैंने, आपने बुक पे देखिए वहां पर मैं समझा रहा हूं, तो 3 प्लेसेस तक मूव करेगा, 3 प्लेसेस तक मूव करने का मतलब है 1 2 3, इसका मतलब जो 4 का आंसर जो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें पॉइंट कहां आ जाएगा, 4 के बाद आएगा, सही। ये तो हो गया हमारे पास जो हमने बुक में वर्किंग करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमें जो वर्किंग करनी है वो कॉपी में करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां देखिए, फर्स्ट पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट आप करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर में करा है वही काम यहां पर भी करना है। कह रहे हैं मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 सेपरेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है,
फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ 6.4, कह रहा 6.4 को 10 से भी मल्टीप्लाई करो, 6.4 को 100 से भी मल्टीप्लाई करो और 6.4 को 1000 से भी मल्टीप्लाई करो। हमने यहां पर करा 6.4 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, हमने कहा 10 है तो 10 में एक ही जीरो आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 प्लेस मूव करेगा किस साइड पर, राइट साइड पर, तो ये हमारे पास पॉइंट कहां आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा 64 आ, 64 पॉइंट। इस तरीके से अब आया 64 पॉइंट पर 6.4 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, अब जो पॉइंट मूव करेगा वो 2 प्लेसेस पर मूव करेगा, ये फर्स्ट प्लेस पे मूव करा देन सेकंड प्लेस पे मूव कर रहा है, आपको ये जिप है नहीं, हम क्या लगाएंगे जीरो लगाएंगे, 640 हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट लास्ट में। अब नेक्स्ट देखें 6.4 मल्टीप्लाई होता है 1000 से, जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे पता चला पॉइंट कितने प्लेस मूव होगा, 3 प्लेसेस तक मूव होगा, अब 3 प्लेसेस तक राइट साइड पे मूव करना है तो यहां पर हमने 1 प्लेस मूव करा फिर सेकंड एंड थर्ड, अब थर्ड प्लेस तक जाना है और यहां पे 8 है नहीं, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 6400 हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट, यहां पर देखो पॉइंट कहां था, यहां था, तो 3 प्लेसेस तक आ गया और बाहर 4 के बाद ये 2 और ये 3, ठीक है। इसी तरीके से अभी तक जो हमने नंबर्स देखे उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही थी 10, 100, 1000, ठीक है, इस तरीके से या 10000 नजर होगा तो वो भी कर सकते हैं बहुत आराम से, 10000 में 4 प्लेसेस में मूव करवा रहे हो, लेकिन अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं यहां पर 10 100 वगैरह नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का हमें कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल पार्ट्स हैं 10, हमें करने हैं इसके 6 पार्ट्स, 6 पार्ट्स में से 1, 2, 3 और पार्ट 6 ये मैंने यहां पर बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है, रिमेनिंग पार्ट 4 और पार्ट 5 ये आपका होम टास्क है, ये आप घर में करो, ठीक है। अभी क्लास का 1, 2, 3 और 6 पार्ट को समझ लें और इसको अभी करें। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, अब 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में यहां पर उसमें अगर आप देखेंगे तो 5 में पॉइंट नहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब 5 का पॉइंट यहां पर है लास्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जिस तरीके से हमने प्लस माइनस करते वक्त हम एक बात का ख्याल करते थे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये कंडीशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में जिस तरीके से नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 5 से, डेसिमल जैसे लगा हो वैसे लगाते, पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी नहीं। अब सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 5 7 25, तो 25 के 2 ऊपर कैरी हो जाएगा और 5 यहां 5 2 10 10 2 मेरा कितना आ गया 12। अब हम देखेंगे कि डेसिमल फाइनल आंसर जो आता है उसमें डेसिमल हमें लगाना है, अब फाइनल आंसर में डेसिमल अगर लगाना है तो यहां देखें 0.5 में पॉइंट के बाद कोई डिजिट है नहीं, यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें जो डिजिट पॉइंट लगाना है डेसिमल लगाना है वो एक डिजिट के बाद लगाना है, तो यहां से कितना शुरू करेंगे तो हमारे पास ये 5 और एक डिजिट के बाद क्या आ गया 5, सही। इसी तरह 4.23 मल्टीप्लाई करना है इसको 11 से, अब 11 में हमें मालूम है पॉइंट कहीं पर नहीं, आप सवाल में देखेंगे पॉइंट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है लास्ट में, 4.32 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 11 से, अब सिंपल यहां पर 11 का पॉइंट कहां पर है मुझे मालूम है 11 का पॉइंट यहां लास्ट में, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन नहीं है, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 1 3 3 1 2 2 1 4 4, देन इस पर पे आएंगे तो एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, यहां पर हम क्रॉस का साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं जो जीरो को बताता है, 1 3 3 1 2 2 1 4 4, ठीक है। अब सिंपल एडिशन करते हैं, ये 3 आ गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, प्लस का हमने 4 आ गया, अब डेसिमल यहां पर मैंने 2 प्लेस के बाद लगाया, क्यों, क्योंकि यहां देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहां पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं, तो हम गिन लेते हैं डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं, यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 1 2 और यहां पर कोई है नहीं, इसका मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा फाइनल आंसर में, हमने कहा 1 2 2 डिजिट के बाद क्या गया पॉइंट। इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, पार्ट 3 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है
वहां पर 512.15 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 से, 512.15 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 से, 2 5s are 10, 10 का 0 यहां पर 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 करा 3 आ गया, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। नेक्स्ट इस 0 पे आएंगे तो x एक स्टेप नीचे आ जाएंगे और यहां पर क्रॉस का साइन लगाएंगे। याद रखें डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, सही है? जैसे मैं डिजिट के नीचे डिजिट आ रहा है, आपका भी डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए जब सॉल्व करें। 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0, ठीक है? फिर इस 0 की बारी आएगी तो एक और स्टेप नीचे आ जाएंगे, ठीक है? अब यहां पर दो क्रॉस के साइन लगेंगे, मतलब दो मल्टीप्लीकेशन के साइन लगेंगे और आपको मालूम है ये 0 को बताते हैं। अब इस 0 को जब करेंगे तो इस 0 से जब करेंगे तो ये सब क्या आएंगे, 0 आएंगे। 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0, ठीक है? अब क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं, हम सिंपल एडिशन कर लेते हैं। यहां क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 और 3, देन ये तो प्लस करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये आपके पास 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब सारी बात ये जो डेसिमल पॉइंट लगाया मैंने 4 डिजिट के बाद लगाया, क्यों? वो इसलिए यहां देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 यहां पर 2 यहां पर कितने हो गए, 4। तो फाइनल आंसर में 4 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब 4 डिजिट जो काउंट करना शुरू करेंगे वो यहां से करते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट आएगा, सही? जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, तो पहला और दूसरा मैंने आपको समझाया, उसमें पॉइंट यहां पर तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था, यहां पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं था, तो हमने कहा टोटल 1 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, इसलिए 1 डिजिट 1 पॉइंट। यहां पर सेकंड में पॉइंट के बाद यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इसी तरीके से पार्ट 6 देखिए, पार्ट 6 में 0.0991 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.12 से। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से हम करते हैं वैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 1s are 2 2 8s are 2 9s are 18 18 का 8 यहां पर 1 कैरी, 2 9s are 18 18 plus 1 19 19 का 9 यहां पर 1 कैरी, 2 0s are 0 1 प्लस करेंगे 0 में तो 1 आ जाएगा, 2 0s are 0। नेक्स्ट स्टेप आएंगे, अब 1 से करेंगे इसको, तो यहां पर क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, 1 1s are 9 1 9s are 9 1 0s are 0 1 0s are 0। नेक्स्ट इस 0 की बारी आ गई, मैं एक और स्टेप नीचे आएंगे और फिर यहां पर क्रॉस का साइन, यहां पर क्रॉस का साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन, 0 1s are 0 0 9s are 0 0 9s are 0 0 0s are 0 0 0s are 0, ठीक है? अब क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ये आ गया 2 8 plus 1 9 9 plus 9 18 18 का 8 यहां पर 1 कैरी, 1 plus 1 2 2 plus 9 11 11 का 1 यहां पर 1 कैरी, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। अब यहां देखें पॉइंट के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 और यहां पर कितने हैं, 1 2, तो 4 यहां पर और 2 यहां पर, तो कितने हो गए 6। तो टोटल 6 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। अब जो 6 डिजिट हम काउंट करना शुरू करेंगे वो यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहां पर पॉइंट है, ठीक है? इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सेम वैसे ही मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है। बस फाइनल आंसर में इस बात का ख्याल रखना है कि डेसिमल पॉइंट कहां लगेगा, वो हम पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लेते हैं और उसको देखते हैं फिर कहां पर पॉइंट लगाना है, और जब 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट हमारा क्या होता है, राइट साइड पे मूव होता है, और राइट साइड पे कितने स्टेप मूव होगा या कितने डिजिट मूव होगा ये हमें नंबर ऑफ जीरो से पता है। 10 में 1 डिजिट होता है तो 1 डिजिट मूव करेगा, 100 में 2 डिजिट होते हैं तो 2 डिजिट तक मूव कर जाएगा, 1000 में 3 डिजिट है और 3 जीरोस आ रहे हैं तो यहां पर 3 प्लेसेस तक क्या कर देगा, मूव कर देगा। अब इसमें आप अपने पास होम टास्क नोट कर लें, होम टास्क में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करना है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया, यहां पर सेकंड पार्ट आप करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल हमें 6 पार्ट्स करने हैं, 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स मैंने यहां पर 4 पार्ट्स मैंने यहां पर बोर्ड पर समझा दिए, पार्ट 4 और पार्ट 5 आप होम टास्क में करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.4 कवर करेंगे,
जो हमारा डिवीजन का टॉपिक है कि डेसिमल नंबर्स में डिवीजन किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।